हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आ गए हैं फिर एक बार नई वीडियो के साथ। दोस्तों जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बताते हैं आपको 24 इंची सीलिंग फ़ैन के बारे में। 24 इंची का जो छोटा वाला फ़ैन होता है उसकी पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों आप जुड़े रहें हमारे चैनल से, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहा करें। चलिए दोस्तों, हमने ये वाइंड किया है। इसकी जो पिच थी हमारी 24 स्लॉट थी और इसमें हमने स्टार्टिंग भी 6 क्वाइलों की बनाई है और रनिंग भी 6 क्वाइलों की बनाई है। इसमें कनेक्शन वही सीरीज वाले होने हैं जैसे कि कूलर वाले होते हैं और सिंपल कनेक्शन है। बांधने का थोड़ा तरीका हमने चेंज किया है क्योंकि पहले ये 4-4 क्वाइलों का 8 क्वाइलों में कनेक्शन इसके डिवाइड करे जाते थे। अब जो है हमें 12 क्वाइलों में कनेक्शन डिवाइड करने हैं, 6 के 1 बार 6 के 1 बार। 4 लीटर इसकी सीधी बाहर निकालनी है दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं बड़ी साफ़ सफाई के साथ हमने काम किया है इस पंखे में। पूरी जानकारी देंगे दोस्तों आपको, फिटिंग करके चला के सारी चीज़ बताएंगे आपको। इसका गेज कौन से, कितना गेज है इसमें, कितने चक्कर हैं, सारी चीज़ बताएंगे आपको। दोस्तों जुड़े रहें हमारे चैनल से। तो ये वाइंड इस टाइम हो चुका है हमारा, हमने बांध के कंप्लीट कर दिया है। अब इसके कनेक्शनों की बारी है दोस्तों। कनेक्शन जैसे हमने बताएं सीरीज में करने हैं आपको कनेक्शन। आने वाला में, जाने वाले में 2 लीटर स्टार्टिंग की, 2 लीटर रनिंग की निकालनी है आपको। सिंपल कनेक्शन है, बहुत आसान है। कनेक्शन वगैरह हमारे हो चुके हैं इस टाइम। लीडें हमने वही 4 निकालनी है, 2 स्टार्टिंग 2 रनिंग की। अब इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है दोस्तों, गेज होता है। गेज नंबर बहुत मेन चीज़ है और इसके जो टने हैं वो चीज़ हम आपको बता देंगे अभी। इसमें हमने टने रखी हैं 450, सिंगल क्वाइल करके डाली है हमने। और इसमें गेज का इस्तेमाल किया है दोस्तों 35 नंबर कॉपर वायर। इसकी स्पीड 1 नंबर की आई है दोस्तों, बढ़िया स्पीड आएगी, एकदम बेहतरीन। थोड़ा हर बार थोड़ी छोटी हम चेंजिंग करते रहते हैं मोटर वाइंडिंग में। कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट, वार्निश हमने डॉक्टर वैद का इस्तेमाल किया दोस्तों। डॉक्टर वैद का वार्निश इस्तेमाल किया है, कंप्लीट हो चुका हमारा स्टेटर। चार लीटर जैसे हमने आपको बताया था उसी प्रकार से आपको 4 लीटरों का इस्तेमाल करना है दोस्तों। हमारी 4 लीटर निकल के कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसकी फिटिंग की बारी आती है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बैरिंगों पर निगाह मारनी है, बैरिंग वगैरह इसके चेक करने अच्छे से, कोई ख़राब तो नहीं। अगर बैरिंग ख़राब है तो बैरिंग निकाल के दूसरा नया लगाएं। अगर बैरिंग ठीक ठाक है तो इसमें ग्रीसिंग वगैरह थोड़ा तेल पानी अच्छे से कर दें ताकि चलने में आसानी रहे। बिल्कुल जितना पंखा फ्री होगा उतनी मोटर बेहतरीन चलेगी हमारी, गर्म नहीं चलेगा स्टेटर। अब यह है हमारा बॉडी का जितना भी साइज है पूल की, अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद हमने फिटिंग इसकी खींच दी है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको चला के एक बार चेक कर लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। फिटिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट, एक बार इसमें करंट दे के चेक करते हैं। सबसे पहले काम करेंगे हम सीरीज में, इसकी कंटिन्यूटी वगैरह चेक करने के बाद शॉर्टिंग चेक करेंगे, इसमें कहीं करंट तो नहीं आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट करंट दिया जाएगा। सबसे पहले आपको सीरीज में ही चेक करना है, सीरीज में हमारी मोटर वाइंडिंग बिल्कुल सही बोल रही है इसकी कंटिन्यूटी, उसके बाद डायरेक्ट करंट दें। चलिए दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं इसकी स्पीड क्या निकलती है। पंखा हो चुका है हमारा कंप्लीट, जिस प्रकार से हमने वाइंड किया इसी प्रकार से आपको भी बांध के चला के दिखाएंगे। देखिए हमारा पंखा जो है हमने बांध के बिल्कुल कंप्लीट करके चला के दिखाया दोस्तों। आपको भी इसी तरीके से काम करना है ताकि फिनिशिंग बनी रहे हमारी, मोटर अच्छे से वाइंड हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।